बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय देवगन जल्द ही अपनी मच अवेटेड हॉरर थ्रिलर मूवी शैतान लेकर सिल्वर स्क्रीन पर पहुंचने वाले हैं। इस मूवी को लेकर फैंस के बीच अभी से ही भारी क्रेज देखने को मिल रहा है। मूवी में सुपरस्टार अजय देवगन के अलावा आर माधवन दिलचस्प किरदार में आ रहे हैं नजर। साथ ही मूवी में तमिल एक्ट्रेस ज्योतिका भी नजर आने वाली है। इस फिल्म का जबरदस्त ट्रेलर मेकर्स ने फाइनली कर दिया है रिलीज, जो जबरदस्त ट्विस्ट एंड टर्न से भरपूर है। मूवी की कहानी वशीकरण पर आधारित है, जिसमें एक अनजान शख्स अजय देवगन के घर में जबरदस्ती घुस आता है। इसके बाद वो उनकी बेटी को अपने वश में कर लेता है। सामने आया फिल्म का ट्रेलर काफी जबरदस्त दिखाई दे रहा है, जो फैंस की रूह को कपा देने वाला है। एंटरटेनमेंट न्यूज की दुनिया में अजय देवगन, आर माधवन और ज्योतिका सरन इस मूवी का ट्रेलर आते ही छाने लग गया है, जिस पर लोग जमकर कमेंट्स कर रहे हैं और इस ट्रेलर की काफी तारीफ कर रहे हैं। मूवी शैतान का ट्रेलर देख लोगों ने इसे अभी से ही सुपरहिट बता दिया है। बता दें कि इस मूवी को मेकर्स अगले महीने 8 मार्च के दिन रिलीज करने के प्लानिंग में है। फिल्म का ये ढांसू ट्रेलर मूवी के रिलीज से महज 15 दिन पहले जारी कर दिया गया है, ताकि दर्शकों का उत्साह बना रहे। इस फिल्म का निर्देशक विकास बहल ने किया है, जबकि मूवी को खुद अजय देवगन के प्रोडक्शन के बैनर तले प्रोड्यूस किया गया है। जिन्हें जानकारी नहीं है उन्हें बता दें कि सुपरस्टार अजय देवगन, आर माधवन और ज्योतिका सरन ये मूवी एक सुपरहिट फिल्म की रीमेक है, जो साल 2023 में ही रिलीज हुई थी। दरअसल एक गुजराती मूवी वर्ष का हिंदी रीमेक है, जो गुजराती सिनेमा का भी हिट मूवी साबित हुई थी। अब इसे हिंदी में रीमेक किया जा रहा है। फिल्म एक हॉरर थ्रिलर है, जिस जॉनर में पहली बार अजय देवगन भूत जैसे क्लासिक हिट मूवी दे चुके हैं। साल 2024 में अजय देवगन कई दिलचस्प फिल्मों में नल लेकर आने वाले हैं। वो जल्द ही रिलीज होने वाली अपनी होम प्रोडक्शन मूवी शैतान के बाद निर्देशक रोहित शेट्टी की मूवी सिंघम अगेन को लेकर आने की तैयारी में हैं। इसके बाद फिल्म स्टार बोनी कपूर के प्रोडक्शन में बनी फिल्म मैदान को लेकर भी सुर्खियों में है। तो दोस्तों, इसको लेकर क्या है आपकी राय? शैतान का ये ट्रेलर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।